अटेंशन अटेंशन प्यारे बच्चों, आज में जो टॉपिक है हमारा वो स्केल वेलोसिटी है और कैपलस लॉ, दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्केल वेलोसिटी एंड कैपलस लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे देखिए ये ढक्कन है, इसको अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, ये लौट आता है और कस के फेंकें क्या होगा, और दूर जाएगा और फिर लौट आएगा। इस तरह से इसको स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाता जाएगा लेकिन लौट आएगा। इस वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिससे अगर फेंक दें तो फिर ये लौट कर नहीं आती, उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप कर गई मतलब भाग गई, प्लान कर गई, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है। किसी ऑब्जेक्ट को एक लिमिट वेलोसिटी है, उससे अगर आप फेंक दें तो फिर वो लौट कर अर्थ पे नहीं आती, उसी वेलोसिटी का नाम है एस्केप वेलोसिटी। तो डिफिनेशन में एक बार पढ़ दे रहा हूँ, द मिनिमम वेलोसिटी थ्रू विच व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इन सच ए वे दैट इट अवे फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। जब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी तो फिर वो लौट कर नहीं आएगी, तो हम ये कह सकते हैं वो भाग गई, पलायन कर गई, एस्केप कर गई। उस वेलोसिटी का नाम है एस्केप वेलोसिटी, जिसको VE से डिनोट करते हैं, जिसके ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक रूट अंडर 2GM/R और दूसरा रूट अंडर GR। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और r है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये दोनों फॉर्मूले कहाँ से आया, तो आइए इसका देखते हैं प्रूफ। मैंने ये अर्थ बना लिया, अर्थ का मास m है, रेडियस r है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, VE वेलोसिटी से m मास ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। किधर फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ। कैसा फेंक रहे हैं, फिर लौट कर नहीं आ रही। नहीं आने का मतलब आप कह सकते हैं वो इन्फिनिटी पे चली गई, कहाँ चली गई, अनंत में। तो 1 kg के ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले जाने में वर्कडन का फॉर्मूला था GM/R। तो M1 के लिए कितना होगा, M2 के लिए कितना होगा, तो M से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए वर्कडन जो है इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए होगा GM1 M2/R। M1 आप अर्थ का मास डालें, M2 ऑब्जेक्ट का मास, R डिस्टेंस है जो आप देख सकते हैं कैपिटल R है। अब mm कैंसिल, तो V² हो गया रूट अंडर 2GM/R। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। ये टोटल पे रूट है, R पे भी है, पूरे पे है, ये पूरे पे रूट है। ऐसा ना समझिए कि R रूट से बाहर है, ये टोटल पे रूट आ गया। इस तरह से एक फॉर्मूला तो हमारा काफ़ी आसानी से 3 लाइन में प्रूफ हो गया। अब इससे नेक्स्ट फॉर्मूला निकालना है, तो दोस्तों याद करें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्मॉल जी का, कैपिटल जी कैपिटल M/R², इससे GM निकालें तो G into R² का वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाए तो क्या होगा, रूट अंडर 2GR, रूट अंडर। इस तरह से इसके वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला भी प्रूव्ड हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है न्यूमेरिकल्स, कि अर्थ सरफेस पे इसके वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, कैलकुलेट इसके वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो वी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2GR, जी का मान 9.8, R का मान 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो ये 10^10 कितना 3 इंटू यहाँ 2 0 और है तो 10^5 हो गए। SI सिस्टम में काम करना है तो किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। 6400 किलोमीटर ये अर्थ का रेडियस है, मीटर में बदला 10^3 से मल्टीप्लाई किया, ये 64 × 10^5 मीटर आ गया। अब आपको निकालना है स्केप वेलोसिटी फॉर्मूला रूट अंडर 2GR, जी का मान 9.8, आर का मान आपको पता है, पुट करें सॉल्व करें
तो ये 1100 है ना, 11200 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर में ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव में है, मतलब दो मास में भी पूछे जा सकते हैं और एक वन मास में भी, अर्थ सरफेस पे इसके वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा, तो कितना होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सवाल है कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज बदल जाए, बड़ा छोटा ऑब्जेक्ट हो, तो क्या इसके वेलोसिटी बदलेगा, ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट का साइज अगर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो क्या इसके वेलोसिटी का मान चेंज होगा या नहीं होगा, क्या होगा, चेंज होगा नहीं होगा, क्यों, इस फॉर्मूले में देखिए, ये जो फॉर्मूला है रूट अंडर 2gr या gm/r, ये m अर्थ का मास है ना कि ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का मास देखिए स्मॉल m था जो कैंसिल हो चुका है, इसलिए ऑब्जेक्ट चाहे 1 kg का हो, 2 kg का हो, 100 kg का हो, सब के लिए इसके वेलोसिटी का वैल्यू फिक्स है, तो वो कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कहाँ पे, ऑन द अर्थ सरफेस। और आप लोगों को मून सरफेस पे निकाल के लाना है, होमवर्क जाएगा मून सरफेस पे, चांद पर कितना होगा इसके वेलोसिटी का मान। तो चांद के बारे में आपने क्या पढ़ा, उसका साइज छोटा होता है, मास भी कम होता है और रेडियस भी कम होता है, दोनों ही चीज़ उसका कम होता है, किसका, मून का, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट। तो वहाँ पे इसके वेलोसिटी का मान काफ़ी कम, ये लगभग 2.33 के लगभग आता है, यहाँ क्या 11.2 अर्थ पे, वहाँ पे 2 point something के आ रहा है, तो इससे क्या पता चला, वहाँ पे इसके वेलोसिटी काफ़ी कम होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपको पता है चांद पे हवा नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून सरफेस, व्हाई, चांद पे हवा क्यों नहीं है, तो रीज़न ये कि चांद का साइज कम है, मास कम है, रेडियस कम है, जिससे इसके जी का मान वहाँ भी कम होता है, जी का मान अर्थ का क्या होता है 1/6, और रेडियस 1/4 हो जाता है, 1/4, जिससे वहाँ पे इसके वेलोसिटी का मान काफ़ी कम होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उससे भी कम होता है, जिससे गैस मॉलिक्यूल्स वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए जब भी कोई आदमी चांद पे जाता है तो वो क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, इसलिए चांद पे हवा नहीं है, क्यों नहीं है, समझ रहे हैं, कि वहाँ पे इसके वेलोसिटी का मान कम है, यहाँ से लेके भी जाइएगा ना हवा, वहाँ रखिएगा, वहाँ से क्या होगा, वो भाग जाएगा, भाग के चला जाएगा स्पेस में, चांद पे हवा नहीं, चांद तो पूरे यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में क्या, एक पॉइंट भी नहीं, इतना बड़ा यूनिवर्स ये है, एक पॉइंट भी नहीं है, इतना बड़ा यूनिवर्स है आपका, ये कहाँ जाएगा, पूरा यूनिवर्स में पूरा फैल जाएगा कहीं। अब देखिए कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ, कैपलर्स ने प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड 3 लॉ दिए जो काफ़ी फेमस हुए, जिसका नाम कैपलर्स लॉ है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमती है, जबकि इनका कहना है कि इट इज़ नॉट ए सर्कुलर पाथ, इट इज़ एन इलिप्टिकल पाथ, कुछ उस तरह का अंडाकार पथ पे घूमती है, दीर्घवृत्तीय पथ पे घूमती है। क्या कहते हैं, इच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन लाई एट वन ऑफ इट्स फोकस, इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, तो किसी एक फोकस पे सन होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा, प्लैनेट रिवॉल्व करता है, कैसे पाथ पे, इलिप्टिकल पाथ पे, दीर्घवृत्तीय पाथ, अंडाकार पथ पे बोलते हैं। तो देखो इस बेस पे उन्होंने ये समझाने का कोशिश किया कि ज़्यादा गर्मी बरसात का मौसम कैसे होता है, आप लोग पूरा सर्कल क्यों बना लिए, सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल पाथ है, सर्कुलर पाथ बना दी, लिखा हुआ है इलिप्टिकल पाथ, कौन सा पाथ है ये, इलिप्टिकल पाथ। तो ये गर्मी का मौसम क्यों होता है, जाड़े का मौसम कब होता है, इस बेस पे उन्होंने कहा कि जब, जैसे ये हमारी मान लो पृथ्वी है, जब ये सूरज के नज़दीक आती है इस एरिया में रहेगा तो गर्मी का मौसम होगा, दूर चली जाए यहाँ दिसंबर में जनवरी में इधर होता है तो ठंडे का मौसम है और बीच में बरसात होगी। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ज़्यादा गर्मी बरसात का मौसम क्यों होता है। दूसरा इनका कहना था कि इच प्लैनेट कवर्ड इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, हर एक प्लैनेट इक्वल एरिया कवर्ड करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब dA/dt हमेशा कांस्टेंट होता है,
हर प्लानेट, चाहे नज़दीक में रहे चाहे दूर में रहे, उन सब के द्वारा जो एरिया कवर्ड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। एरियल वेलोसिटी सबकी सेम होगी, डी ए बाई डी टी ये हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड है। इसका कहना है कि जब एक चक्कर लगाता है तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। पता है ना आपको टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन रिवोल्यूशन। एक पूरा चक्कर लगाने में लगा टाइम पीरियड कहलाता है। इनका कहना है हर प्लानेट का जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ईच प्लानेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, टी स्क्वायर के इंटू आर क्यूब।